अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हदीस। अगर आप परेशान हैं, आपकी जिंदगी में गम है, तो ये हदीस जरूर सुनिएगा। हदीस को सुनने के बाद इंशाल्लाह आपके गम, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये हदीस क्या है, आइए जानते हैं मुफ्ती A.M. कासमी साहब से। मुफ्ती साहब ने इसे बहुत अच्छे से बताई है, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग मुझे शुक्रिया ज़रूर बोलोगे, और इस हदीस को सुनने के बाद हर वो मुसलमान, हर वो मोमिन जो मुसीबत में है, गम में है, टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, उसको बहुत सुकून मिलने वाला है इस हदीस को सुनने के बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बहुत गौर से इस हदीस को सुनिएगा, बहुत काम की बात आपके लिए इस हदीस में है। हदीस क्या है, आइए सुनते हैं। हज़रत उबई इब्ने काब रवी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर कसरत से दुरूद भेजता हूँ, खूब दुरूद शरीफ में आप पर भेजता हूँ, अपनी दुआ में से कितना वक्त मैं दुरूद शरीफ के लिए वक्फ करूँ। इन साहबी ने हुजूर से ये सवाल किया कि रसूल अल्लाह, मैं आप पे दुरूद शरीफ तो बहुत कसरत से भेजता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि मेरी जो दुआ का वक्त है तो उसमें से मैं कितना वक्त दुरूद शरीफ के लिए निकालूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो। तो इन साहबी ने अर्ज़ किया, कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, एक चौथाई, क्या ये सही है, एक चौथाई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तो इन साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, निसफ वक्त मुकर्रर कर लूँ, यानी दुआ का आधा वक्त मुकर्रर कर लूँ, आधे वक्त में दुआ और आधे वक्त में आप पर दुरूद शरीफ पढ़ूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब ये सहाबी ने फिर हुजूर से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, दो तिहाई मुकर्रर कर दूँ, यानी और बढ़ा दूँ वक्त दुरूद सलाम के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम चाहो, लेकिन अगर ज़्यादा करो तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है। अब आगे सुनिए, आगे ये साहबी ने फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपना सारी दुआ का वक्त, मैं अपने तमाम ज़िक्र व अस्कार का वक्त दुरूद शरीफ के लिए वक्फ़ करता हूँ, अब मैं सारे टाइम दुरूद शरीफ ही पढ़ूँगा। तो इस पर हुजूर ने क्या जवाब दिया, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब तो ये तुम्हारे सारे दुखों, सारे गमों के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया होगा। क्या फरमाया हुजूर ने कि अगर तुम दुरूद शरीफ ही पढ़ रहे हो बस, तो दुआएं भी कबूल होंगी, तुम्हारे गमों के लिए भी ये काफ़ी हो जाएगा और तुम्हारे दुखों में भी ये काफ़ी हो जाएगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश के लिए भी ये काफ़ी हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दुरूद शरीफ पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि दुरूद शरीफ का ये फ़ायदा जो हुजूर की मुबारक ज़बान से सहाबी ने सुना और हदीस की शक्ल में हमारे पास आ गया, उसके बावजूद भी हम और आप अपने दुखों के लिए, अपने गमों को दूर करने के लिए तावीज़ गंडों के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? अगर आपको कोई गम है, आपको कोई तकलीफ़ है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत गुनाह कर चुके हो ज़िंदगी में, पढ़ो दुरूद शरीफ, खूब पढ़ो। अगर दुआ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे तब भी दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ के सदक़े में, दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे आपको वो सब दे देगा जो हुजूर ने बयान फरमाया है। जो उम्मीद है कि दुरूद शरीफ की ये फजीलत और इस हदीस को सुनने के बाद आप मुझे शुक्रिया तो ज़रूर कहोगे ही, लेकिन इसके अलावा
आपको दुरूद शरीफ की ये फजीलत सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक भी पैदा होगा। बेशक मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से बताया और दुरूद शरीफ की बहुत ज्यादा फजीलत है। हम सभी को दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद आई होगी। इस क्लिप को शेयर जरूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।